दोस्तों हम आपको बता देंगे छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में होने जा रहा है किसानों का महापंचायत, जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है। लेकिन क्या कुछ होने वाला है और भी, क्योंकि इसमें भी राकेश टिकैत शामिल हो रहे हैं, तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन इस सदी का विश्व का सबसे अनोखा और बड़ा आंदोलन साबित होने जा रहा है। यह कहना है देश के 40 से अधिक किसान संगठनों के साझा मंच अखिल भारतीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी का, जो कि कोंडा गांव बस्तर के जाने माने किसान हैं। वह देश में हर्बल खेती के लिए नई पहचान देने और कृषि विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। 28 सितंबर यानी आज को छत्तीसगढ़ के राजिम में किसानों के ऐतिहासिक महापंचायत होने वाली है, जिसमें राकेश टिकैत समेत किसान आंदोलन के प्राय सभी प्रमुख चेहरे शिरकत करेंगे। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत न केवल देश के किसानों की ही नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों के इतर सभी वर्गों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद किसान संगठनों ने देश के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ में दूसरी महापंचायत हेतु खम ठोका है। यूं तो आदिवासी बहुल बस्तर में किसान समस्याओं और किसान आंदोलनों की तरह सतह पर तो कोई विशेष सुगबुगाहट नहीं दिख रही, जबकि हकीकत यह है कि बस्तर के कोंडा गांव 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनों को न केवल उद्यम बिंदु है, बल्कि छत्तीसगढ़ में होने वाली पहली महापंचायत के आयोजन के निर्णायक सूत्र भी कोंडा गांव से ही जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के राजिम में किसानों की महापंचायत हो रही है, इसके लिए पिछले 10-15 दिनों में करीब 22 किसान संगठनों ने गांव-गांव जाके इन तीनों कानूनों के बारे में बताया, और सारे के सारे किसान जो कल आ रहे हैं सब स्वप्रेरित हैं कि कोई राजनीतिक रैली या राजनीतिक अगर सभा होती है तो उसमें लोगों को भर के लाया जाता है, लेकिन ये सारे किसान अपने साधन से आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रसाद बनेगा, महाप्रसाद बोल रहे हैं, जो बाहर रसोई होगी जिसमें किसानों जो भी दूर से आ रहे हैं किसान भोजन करेंगे, उसके लिए हर किसान थोड़ा सा चावल 1-2 किलो चावल, सब्जी अथवा मसाले, थोड़ा बहुत राशन भी स्वयं लेके आ रहा है। और राकेश टिकैत जी कल मेरे साथ ही आएंगे, हम दिल्ली से आकर हम साथ में ही सीधे एयरपोर्ट से हम सीधे राजिम किसान महापंचायत पहुँचेंगे, और अधिकांश किसान नेता पहुँच चुके हैं रायपुर में। तो कल की महापंचायत देश के किसान राजनीति की दिशा बदलने वाली तय होगी, यह अखिल भारतीय किसान संघ के महासंघ के सारे सदस्यों का मानना है, और हम इसीलिए इसी काम में जुटे हुए हैं। आज दिन भर बारिश हुई है, फिर भी हम जुटे हुए। दरअसल वर्तमान किसान आंदोलन के बारे में देश को तब पता लगा जब पिछले 26 नवंबर को पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली के मोर्चे बॉर्डर पर आ डटे। त्रिपाठी के मुताबिक इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध तो इनके विधेयक की शक्ल में 5 जून को जन्म लेने से मात्र 2 दिवस के भीतर ही कोंडा गांव से शुरू हो गया था, जबकि उस समय जानकारी के अभाव में ज्यादातर किसान संगठन इन कृषि कानूनों के बारे में प्रकाशित दुभावने सरकारी विज्ञापनों से प्रभावित होकर इन कानूनों का स्वागत तक कर दिया था। किंतु 40 से अधिक किसान संगठनों के मंच अखिल भारतीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, जो कि छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के किसान नेता हैं, ने इन तीनों कृषि बिल्स के पैदा होने की 72 घंटे के भीतर है इनका बिंदुवार पोस्टमार्टम करके इन्हें पूरी तरह से कारपोरेट के पक्ष में घड़ा हुआ तथा किसान विरोधी बताया था। इतना ही नहीं, इन्होंने 26 जून 2020 को ही राकेश टिकैत सहित देश के प्रमुख किसान नेताओं को वर्चुअल मीटिंग में शामिल करके इन कानूनों की खामियों के बारे में अवगत कराया और इनका समुचित तर्कसंगत विरोध करने को कहा था। आज जो पूरे देश में भारत बंद का आह्वान से किसान मोर्चा ने किया, इसे 500 से ज्यादा देश के किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया था। यह कई मायनों में देश में आए दिन होने वाले हड़ताल और बंद से अलग था। यह मेरी लगभग 40 साल के सार्वजनिक जीवन में मैंने पहली बार देखा है इस तरह का, कि चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान, सब ने स्वस्फूर्त इस बंद को समर्थन दिया। न कहीं झूमा झटकी, न कहीं कोई जबरदस्ती। कुछ जगहों पे जरूर कुछ राजनीतिक पार्टियों के दबाव के कारण संभवतः कुछ लोगों ने दुकानें खोली होगी। बावजूद इसके प्रकृति ने भी छत्तीसगढ़ में तो साथ दिया, यहाँ लगातार बारिश हो रही थी तो यूँ भी बंद ही था, और सुबह 6 बजे से ही किसान डर गए थे। मैं मानता हूँ कि कमोबेश यह महापंचायत पूरी तरह से सफल रहा और छत्तीसगढ़ में भी पहली बार इतनी बड़ी जागरूकता देखने में आई। डॉक्टर त्रिपाठी की इस पहल तथा किसान हितों के लिए सतत संघर्ष के लिए गाजीपुर मोर्चे पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन भी किया गया था।
या बहुत कम लोगों को पता होगा कि वर्तमान किसान आंदोलन की शुरुआत के पूर्व राकेश टिकैत युद्धवीर सिंह जैसे प्रमुख एक किसान नेता कोंडा गांव बस्तर आकर डॉक्टर त्रिपाठी से गुफ्तगू कर चुके हैं। उधर पारसनाथ साहू सहित प्रदेश के कई लोग किसान नेता भी इस सिलसिले में कोंडा गांव पधार चुके हैं। यह देश के किसानों का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि किसान आंदोलन के पहले हफ्ते में दिल्ली से सिरकतर कोंडा गांव वापसी के वक्त उनकी कार की भीषण दुर्घटना में वे अपनी पत्नी समेत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कारण मजबूरी में उन्हें मोर्चे की अगुवाई से हटकर कई महीने इलाज में गुजारने पड़े। बिस्तर में पर ही से ही उन्होंने किसान आंदोलन के पक्ष में अपनी कलम से और वर्चुअल उपस्थिति के जरिए अपनी लड़ाई जारी रखी। एम्बुलेंस से दिल्ली के किसान मोर्चे पर पहुंचने वाले यह पहले किसान नेता है। विश्लेषक आज भी दावा करते हैं अगर डॉक्टर त्रिपाठी किसान और सरकार की बातों के बीच शामिल होते संभवतः अब तक यह आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका होता। बहरहाल छत्तीसगढ़ में इस 28 तारीख को यानी आज राज्य में होने वाले किसान महापंचायत पर न केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश पर नजर टिकी हुई है। इस महापंचायत में राकेश टिकैत सहित संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकांश प्रमुख नेता भाग लेने जा रहे हैं। राकेश टिकैत तथा अन्य प्रमुख किसान नेताओं को छत्तीसगढ़ लाने की समुचित जिम्मेदारी कोटा गांव के डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी संभाल रहे हैं। जगदलपुर बस्तर क्षेत्र से लगभग 11 गाड़ियों में सवार होकर किसान भाई इस महापंचायत में शामिल होने के लिए राजिम की ओर कूच कर चुके हैं। दिल्ली से मानविंद्र की रिपोर्ट। जी दोस्तों, तो आपने ये देखा है खासतौर से मुजफ्फरनगर के बाद ये कोंडा गांव में आज होने वाला है, ये बड़ा महापंचायत चल रहा है। देखिए किसान लोग क्या कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने किसान आंदोलन को पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक विचार गोष्ठी की तरह अपने आप को समेटा है, लोगों को एक साथ जुटा है, तो आगे आने वाले दिनों में यह विश्व का सबसे बड़ा महापंचायत होने वाला है, किसान आंदोलन होने वाला है देश का। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसी लगातार खबर लेकर लाते रहेंगे। नमस्कार। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।